आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्जी। इसके लिए यहाँ मैंने हाफ केजी टिंडे लिए हैं, एकदम फ्रेश और एकदम कच्चे टिंडे हैं। जितने ज़्यादा कच्चे टिंडे होंगे सब्जी उतनी ही बढ़िया बनेगी। इन सभी टिंडों को मैंने एकदम अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप इसे किसी भी साइज़ और शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे पतले गोल स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं या फिर पतले लंबे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सभी टिंडे कट कर लिए हैं, क्यूब्स में कट किए हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं और गैस पर हम लेंगे एक कढ़ाई और ऐड करेंगे सरसों का तेल। मैं यहाँ पर एक बड़ा चम्मच कच्ची घनी सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल को भाप निकलने तक गर्म कर लिया है और अब आपको इसमें ऐड करना है आधा छोटी चम्मच जीरा। जीरे के साथ ही चुटकी भर हींग भी ऐड कर लेंगे। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपको। साथ ही चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे पतले लंबे स्लाइसेस में। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के अनियन को कट किया हुआ है। प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेते हैं और प्याज को हल्का भून लेने के बाद ऐड करेंगे दो हरी मिर्चें, एक इंच अदरक का टुकड़ा भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। एकदम बारीक चॉप करके ऐड करना है। आप चाहें तो कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टिंडे जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। टिंडे को भी आपको इसके साथ भून लेना है। इस तरह से फ्राई करने से क्या होगा, टिंडे का टेस्ट अच्छा आएगा और सब्जी भी आपकी बढ़िया बनेगी। तो दोस्तों आपको इसे 2 से 3 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है जिससे चारों तरफ से अच्छे से भून जाए। कुछ देर भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे 1.5 टेबलस्पून। सूखी सब्जी में मसाले थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने मसाले थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं। साथ ही ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले मिक्स करने के बाद अब आपको इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है और बीच बीच में आपको इसे चेक करते रहना है ताकि सब्जी जले ना, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। वैसे तो भाप बनकर थोड़ा पानी बन जाएगा। लगभग 4 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। ये जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट पक कर के तैयार हो गई है, 80% तक पकी है। अब आपको इसमें ऐड करना है मसाले। मैं यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे जिससे सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मसालों को हमने सब्जी में मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड टमेटो। मैंने यहाँ पर टमेटो ऐड किया है, लास्ट में ऐड किया है ताकि टेस्ट अच्छा आए सब्जी में। और टमाटर ऐड करने के बाद आपको इसे 2 मिनट तक और पकाना है ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं और ये जो सब्जी है वो एकदम अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। मैं आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ। सभी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से पक गई है, मसाले भी एकदम अच्छे से पक चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ रखा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इस सब्जी में। यकीन मानिए अगर आपको ये सब्जी नहीं पसंद है, अगर आप टिंडे नहीं खाते हैं तो भी अगर आप इस तरह से बनाकर ये खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत ही चटपटी और बढ़िया सब्जी बनी है। तो अब हम इसके ऊपर से ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया जिससे एकदम फ्रेश फ्लेवर आ जाएगा सब्जी में। तो ये लीजिए दोस्तों, चटपटी मसालेदार टिंडे की ये ड्राई सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप इस सब्जी का मज़ा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।